नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो गाजियाबाद से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। कुछ अधिकारियों और राजनीतिक लोग पर आरोप लगाए गए हैं इस पत्र के जरिए। बता दें, जिला पंचायत की सीट को लेकर इसमें कुछ बातें लिखी है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत की सीट को आरक्षण सूची में डलवाने की कोशिश है। ये पत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब सीएम योगी को ये पत्र लिखा गया जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी की तरफ से, कुछ अधिकारियों को लेकर आरोप लगे हैं। अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की बात कही गई है इस पत्र में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिला पंचायत की सीट को आरक्षण सूची में डलवाने की कोशिश। ऋषभ भारद्वाज अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी ने पत्र लिखा है, क्या कुछ खास है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी मावी ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसमें। साथ ही साथ कुछ नेताओं पर भी और कुछ अधिकारियों पे दिलीप भगत का आरोप इन्होंने लगाया है कि इन्होंने कहा है कि इसमें आरक्षण को लेकर कुछ जो नेता हैं लखनऊ में बैठे हुए हैं वो अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। जी ऋषभ, क्या उन नेताओं और अधिकारियों के नाम भी इस पत्र में है? जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल खुलकर नाम उनके नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर इसमें लिखा है कि यहाँ के कुछ नेता हैं जो लखनऊ में बैठकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ, और अगर हम इस पत्र को लेकर प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो लक्ष्मी मावी हैं और जो गाजियाबाद के कुछ नेता हैं उनका पहले भी विवाद रहा है, हालांकि उन्होंने इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर बात हम करें तो टारगेट उनके उन्हीं को किया गया है, जो कि लिखा गया है इसमें कि लखनऊ में बैठकर वो अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पत्र को लेकर जो बातें सामने आनी थी, यानी कि प्रतिक्रियाएं, खास तौर पर सीएम योगी के नाम पर ये जब पत्र लिखा गया तो जाहिर सी बात है कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक उनसे बात करने की भी कोशिश की गई लक्ष्मी मावी से भी, लेकिन हाल अभी भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इसमें संशय बना के रखा है कि हाँ कुछ नेता हैं जो अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें, सराफा व्यापारी से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें, बदमाशों ने दिसंबर में सराफा व्यापारी से लूट की थी, जहां पुलिस ने 25 लाख के गहने, बाइक और कैश बरामद किया। आरोपी बदमाश पहले से कई मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज है। तो गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो ज्वेलरी हम आपको दिखा रहे हैं जो बरामद की गई है, कैश भी इनसे बरामद किया गया है। तो सराफा व्यापारी से लूट करने का ये गिरोह जो था उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। गिरोह के 3 बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों में दिल्ली संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे पूरी अपडेट लेंगे इस मामले की। बिल्कुल कोमल, आपको बता दें कि पुलिस पर सवाल और निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी लूट थी, सराफा व्यापारी से शिकारपुर में हुई थी, 25 लाख के गहने लूटे थे, जिस पर आज क्राइम ब्रांच और थाना शिकारपुर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये सभी लोग बुलंदशहर में बड़ी वारदात की थी, शिकारपुर तत्व में सभी दादरी के रहने वाले हैं, और इनसे 25 लाख के जो गहने जो लूटे थे वो बरामद किए गए हैं। इसका अपराधी रूप निकालने में जुटी है पुलिस, और जो एसओजी टीम है उसको 25,000 का इनाम बुलंदशहर एसएसपी की तरफ से दिया गया है। अशोक, अगर हम इस ग्रोह की बात करें तो कब से ये एक्टिव है, और अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए, अन्य कितने लोगों की यहाँ पर गुंजाइश बताई जा रही है, और कितने लोग हो सकते हैं इस ग्रोह में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस घटना को पूरी अंजाम दिया था, ये 3 ही लोग थे चिन्हित। इनके साथ में कौन कौन गिरोह है उनको पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उनको जो तथ्य निकल के आए हैं, इन्होंने तीन लोगों को ग्रोह का अपना स्वीकार किया है। 25 लाख का जो गहने लूटे थे, ये बहुत बड़ा सवाल और निशान बुलंदशहर पुलिस को खड़े हो रहे थे। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था, व्यापारी लगातार आक्रोश थे, एक का उन्होंने शिकारपुर तत्वों को बंद किया था। 3 ही लोग इस घटना को वांछित चल रहे थे, जिसको सीसीटीवी फुटेज का आधार था
तमाम जितने भी एसओजी टीम लगाई गई, कई टीम स्पेशल लगाई गई, बहुत बड़ी सफलता है। 25 लाख के गहने सहित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और पूछताछ की जा रही है कि अपराधी रिपोर्ट क्या है। अंतर जनपद के भी अशोक, दिसंबर में जो लूट की गई थी सराफा व्यापारी के साथ, उसके बारे में अपडेट? मैं आपको बता दूं कि सराफा जो व्यापारी था, ये भरतपुर के घटना को अंजाम दिया था। 25 लाख के गहने ने ये जो सराफी व्यापारी था वो अपने घर के लिए जा रहा था, तभी तमंचे के बल पर ये लूट हुई थी, जिसमें सीसीटीवी एक फुटेज मिला था, उसके आधार पर ये सफलता मिली है। बड़ी सफलता है। भरतपुर एसएसपी ने इसकी तरफ से 6000 रुपए एसएसपी की टीम से इनाम घोषित किया था, वो भी इनाम दिया गया है, और जो इस पूरी टीम को है उनको सम्मानित करने की तरफ से किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अशोक। तो गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 लाख के गहने और कैश इनसे बरामद किया गया है। बता दें, दिसंबर में सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, बुलंदशहर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए, जहां उन्होंने कहा कि नियंत्रण के बाद भी बचाव इलाज जारी रखा जाए, दूसरे राज्यों में बढ़े केस को लेकर सतर्कता बरते, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए, टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से ये खबर, जहाँ टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की है, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके बाद भी नियंत्रण के बाद भी बचाव इलाज जारी रखा जाए, क्योंकि साफ कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से कि कोरोना के केस कम हुए लेकिन खत्म नहीं हुए। संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। एस के, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, जो बैठक हुई है खास तौर पर क्या क्या निर्देश सामने आए? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलता पाई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अफसरों को दिए गए हैं। इस बैठक में ये महत्वपूर्ण ये था कि सभी विभागों के आला अफसर मौजूद रहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जिस तरीके से देश के कई दूसरे प्रदेशों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़े हैं, ऐसी स्थिति में इसको देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्विलांस का कार्य पूरी तेजी के साथ किया जाए और साथ ही साथ जो टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में करीब 2.25 लाख प्रतिदिन हो रही है उसको पूरी क्षमता से चालू रखा जाए। जहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो कहीं ना कहीं इस तरीके से जिसमें सिम्टम्स हो, ऐसे व्यक्तियों को तत्काल क्वारंटीन कराया जाए और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जिससे जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं उनके संपर्क में रहकर उनका हालचाल जानने के जो निर्देश पहले जारी हुए थे उनको पूरी तत्परता से पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और कोरोना के केसेस दूसरे प्रदेशों में बढ़कर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई कोरोना का केस ना बढ़े उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश आज अफसरों को जारी किए हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रयास कर रही है कि 98.2 जिस तरीके से रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का वो बना रहे हो, और अब चूंकि 2000 के करीब ही संक्रमित पूरे प्रदेश भर में बचे हैं उनकी संख्या ना बढ़े इसका पूरा ध्यान अब तक रखें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश, चौधरी अजीत सिंह का बागपत रैली में ये भड़काऊ बयान सामने है। बता दें, आरएलडी चीफ अजीत सिंह बोले हैं सरकार बीजेपी का बहिष्कार करे, अजीत का बयान चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश। तो यहाँ जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं आरएलडी चीफ अजीत सिंह के, किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश, तो बागपत रैली में भड़काऊ बयान सामने आए हैं। तो इस सरकार ये नहीं तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, दो करोड़ नौकरी को खत्म कर दी, किसान की आय दुगनी करेंगे, सोए कार्ड दे के दुगनी करेंगे, 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। मेरे ख्याल से सच कह रहा है करेगा, लेकिन पहले आज ही करेगा फिर अभी तो आया आधी करने में लगा है ना, रोजगार की नौकरी खत्म, युवकों की नौकरी खत्म, यूनिवर्सिटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद,
बाप के पास पैसा नहीं कि बेटा रिक्शा में बैठ के कुछ खाया, क्या करेगा नवयुवक? नवयुवकों, इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि अमित शाह ने बीजेपी के एमएलए और सांसदों को और मिनिस्टर्स को कहा है गांव में जाओ और किसानों को समझाओ, नहीं बदलते। और आपके सांसद तो कहते हैं कि सिर्फ 15 पढ़े लिखे आदमी हैं लोकसभा में, मैं भी एक हूं। भैया तू मुझे आके समझा दे, मैं समझा दूंगा। वही बहराइच पहुंचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने ग्रामीणों से इस दौरान मुलाकात की है। बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। तो बहराइच जनता की आवाज बनेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र, सलमान खुर्शीद का यह बयान इस दौरान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार सोचती है किसानों को दबा सकते हैं। किसानों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको बता रहे हैं कि भाजपा सरकार सोचती है किसानों को दबा दे। घोषणा पत्र को लेकर बात कही गई, उन्होंने कहा कि बहराइच जनता की आवाज बनेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। फिलहाल जनता से मुलाकात की उन्होंने, इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सलमान खुर्शीद पहुंचे, उनके साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। बता दें ग्रामीणों से मुलाकात की है, इस दौरान कई अहम बातें भी सामने आई। बहराइच से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंचे, उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया भी मौजूद रहे थे, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र को लेकर बात कही कि जनता की आवाज बनेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से बयान जो जारी किए, भाजपा सरकार सोचती है किसानों को दबा सकते हैं। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से अगर हम किसानों को लेकर बयान की बात करें तो हमेशा इस तरीके के बयान सामने आते हैं। बर्दाश्त तो है, इसलिए कि हम अपने घोषणा पत्र में जो भी डालना चाहते हैं जनता की आवाज़ को डालना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ सबसे संपर्क में हैं और जो विस्तार से लोग कह रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को हम घोषणा पत्र में डालेंगे। प्रियंका जी ने ये विशेष हमको आदेश दिया है कि आप जनता की आवाज़ को ही डालिए, बाहर से घर से बैठकर आप उस पर लिखिए जो जनता चाहती है, उससे चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद उसी घोषणा पत्र। सर आप नो सीनियर एडवोकेट भी हैं, सर जो किसान आंदोलन आज 90 दिन लगभग होने को आए हैं, अब तक बीजेपी गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको स्थगित कर दीजिए, तो सरकार को इसको कहने में क्यों गुरेज है? क्यों नहीं सरकार कहते कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं, इसको हम साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको हम स्थगित कर देंगे, आइए हम लोग नए सिरे से बात। और खबर नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 58 थाना अध्यक्ष अनिल कुमार और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें दुमई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नेशनल गैंग के मास्टरमाइंड सुमित यादव का करीबी साथी और 25,000 रुपए का इनामी छात्र ठग को थाना क्षेत्र छोटा डी पार्क सेक्टर 62 से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मोहित गोयल, ओम प्रकाश चांगिड़, सुमिता नेगी, अमरजीत को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। सत्तन यादव मास्टरमाइंड सुमित यादव का दाहिना हाथ बताया जा रहा है और सत्तन यादव ने पूछताछ में कई और खुलासे भी किए हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से कुछ समय पहले एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था सेक्टर 58 में, और जिसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पे बड़े स्तर पे, देशव्यापी स्तर पे फ्रॉड्स का गैंग पकड़ा गया था। उसमें से एक अपराधी जो संलिप्त था उसमें, उसको सेक्टर 58 थाना ने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ साक्ष्य आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर अपराधी के इतिहास के लिए क्या सर का आपराधिक इतिहास? देखिए अभी ये अपराधी के इतिहास तो उसका देख रहे हैं, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स का फ्रॉड हुआ था उसमें उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें हम लोग इसलिए उसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य।
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कानपुर में पार्वो वायरस का कहर, घाटमपुर तहसील के भीतर गांव में पार्वो वायरस की दस्तक दे गई। बता दें वायरस की चपेट में आए एक दर्जन से अधिक कुत्तों की मौत हो चुकी है। बीते एक हफ्ते से लगातार कुत्तों के मौत का सिलसिला जारी है। तो एक बार गाँव जाकर पशु चिकित्सकों ने खानापूर्ति भी की है। भीतर गाँव ब्लॉक के क्योटरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बीते एक हफ्ते से लगातार कुत्तों की मौत का ये सिलसिला जारी है। पशु चिकित्सक गए और जाकर खानापूर्ति भी की गई है। सूरज पांडे हमारे साथ फोनलाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ किया जा रहा है इस वायरस को लेकर अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा कानपुर के घाटमपुर के ग्रामीण इलाकों में इस वायरस का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस वायरस का कहर की बात करें तो ये गाँव में जो आवारा कुत्ते होते हैं उनमें देखा जा सकता है, क्योंकि तकरीबन आधा दो दर्जन से भी ज्यादा गाँव में इस वायरस का कहर देखा गया और कुत्तों की मौत हो गई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस पूरे मामले विभागीय कार्रवाई के लिए अधिकारियों को मामले की जानकारी दी थी, मगर स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सालय की टीम भी पहुंची और ठंडे बस्ते में मामले को डालकर पुचक्कर हो गई। ऐसे में कहीं ना कहीं से ग्रामीण जो है इस वायरस को लेकर काफी चिंतित है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। और लखनऊ से खबर, जहां यूपी में 5 फिल्मों की शूटिंग होगी। एक साथ 5 फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। सीएम योगी से सांसद रवि किशन मिलेंगे। बता दें फिल्मों का शुभारंभ होने से पहले आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो बता दें 5 फिल्मों की शुरुआत एक साथ होगी और सीएम योगी से मिलेंगे सांसद रवि किशन, आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें फिल्म का जो है शुभारंभ हो रहा है, 5 फिल्में बताई जा रही हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में 5 फिल्मों की शूटिंग होगी और इसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलेश, आपसे पूरी अपडेट चाहेंगे, ये 5 फिल्में कौन कौन सी होंगी? नीलेश मेरी आवाज मिल रही है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को रोजगार के लिए एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। और लगातार जो मुंबई के कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या टॉलीवुड के हों या भोजपुरी जगत के हों, उन तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश में फिल्मों के शूटिंग के लिए लगातार प्रयासरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। उसी के तहत आज लखनऊ में एक बड़ी ग्रांट ऑफिस है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वही नोएडा के आदर्श ज्ञान वाटिका स्कूल में नमामि गंगे गंगा विचार मंच का जल संरक्षण और स्वच्छ वातावरण के साथ गंगा स्वच्छता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों को जल के प्रति सजग करना। कार्यक्रम के प्रांत संयोजक चंद्र प्रकाश चौहान ने गंगा स्वच्छता और जल संरक्षण पर लोगों और बच्चों को संबोधित किया। जिला संयोजक प्रज्ञा शर्मा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक प्रज्ञा शर्मा ने जल ही जीवन है की मुहिम पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी से जल संरक्षण की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और गंगा को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। और रेखा चौहान को नमामि गंगे गंगा विचार मंच की नोएडा विधानसभा की संयोजिका का दायित्व भी दिया गया। सामग्री को विसर्जन नहीं करूंगा, प्रयोग करूंगा। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।